हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10 की लेसन 7, पोएम एंगर का सेंट्रल आइडिया। इससे पहले की वीडियो में हमने बताया है कि सेंट्रल आइडिया होता क्या है। पोएम में बताई गई बात को के मुख्य बिंदुओं को रखना, मुख्य बातों को ही बताना सेंट्रल आइडिया कहलाता है। चलिए देखते हैं ये सेंट्रल आइडिया होता क्या है और इस पोएम का हम सेंट्रल आइडिया आपको समझाते हैं। एंगर, ये जो पोएम है एंगर, उसके बारे उसकी मुख्य बातों को हमें लिखना है। नॉर्मल सी बात है, एंगर इज़ अ बैड थिंग। एंगर एक बुरी चीज़ है। इट टेक्स अवे, ये छीन लेता है। क्या छीन लेता है? गुस्सा। एंगर जो है वो क्या कर लेता है? इट टेक्स अवे, ये छीन लेता है। क्या छीन लेता है? अट्रैक्शन ऑफ फेस, मतलब आपके चेहरे का अट्रैक्शन छीन लेता है। और क्या करता है? कैसे छीन लेता है? एज मतलब जैसे कैसे छीन लेता है? जैसे क्लाउड्स, जैसे जो बादल होते हैं, काले बादल जो होते हैं, वो सनलाइटिंग पार्ट ऑफ अर्थ है ना, जो अर्थ का सनलाइटिंग पार्ट होता है, जिसमें जैसे काले बादल छा जाने से जो पृथ्वी पर जो सनलाइट वाला पार्ट होता है वो क्या होता है? गायब हो जाता है। ऐसे ही गुस्से के आ जाने से क्या होता है? जो अपने फेस का अट्रैक्शन है वो क्या हो जाता है? चला जाता है। उसे कौन छीन लेता है? एंगर छीन लेता है। द एक्ट्स डन इन द स्टेट ऑफ एंगर, जो द एक्ट्स मतलब कार, डन इन द स्टेट ऑफ एंगर, जो गुस्से की स्थिति में जो कार्य किए जाते हैं, गुस्से की स्थिति में जो कार्य किए जाते हैं, स्थिति में जो कार्य किए जाते हैं, क्या कर किए जाते हैं वो क्या करते हैं? आर ऑलवेज रिपेंटेड, वो हमेशा क्या करते हैं? पछतावा देते हैं। क्या करते हैं? वो पछतावा देते हैं। समझ में आ रही है ना बात? यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट में आप इसके सेंट्रल आइडिया को याद रख सकते हैं। जैसे कि बताया, आप फर्स्ट में ही लिख सकते हैं, एंगर इज़ अ बैड थिंग, एंगर एक बुरी चीज़ है, ठीक है। ये क्या करती है? इट टेक्स अवे, ये छीन लेती है हमसे हमारे फेस का अट्रैक्शन। तो लिखना आप, इट टेक्स अवे, क्या टेक्स अवे? द अट्रैक्शन ऑफ फेस। जैसे, और कैसे छीन लेती है? जैसे क्लाउड्स, एस क्लाउड्स, एम्पैड मतलब होता है फीका कर देना, है ना। एड्स क्लाउड्स इम्पेड द सनलाइटिंग पार्ट ऑफ द अर्थ, ठीक है। तो जैसे कि काले बादल क्या करते हैं? अर्थ के सनलाइटिंग पार्ट को क्या कर देते हैं? छीन लेते हैं। वैसे ही क्या होता है? एंगर भी हमारे फेस का अट्रैक्शन छीन लेता है। द एक्ट्स डन इन द स्टेट ऑफ एंगर, जो कार्य किए जाते हैं कब? गुस्से की स्थिति में। सीधी सी बात है, आप समझते हैं कि आपने गुस्से में कोई कार्य कर दिया तो वो क्या करते हैं? हमेशा पछतावा ही देते हैं। आपने गुस्से में आके अपना मोबाइल तोड़ दिया, आपने लैपटॉप फटक लैपटॉप पर हाथ मार दिया, वो टूट गया, तो ये सब चीज़ें क्या करती हैं? लास्ट में पछतावा देती हैं। तो द एक्ट्स जो कार्य किए जाते हैं, द एक्ट्स डन इन द स्टेट ऑफ एंगर, पार्ट पार्ट में मैं आपको याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। द एक्ट्स डन इन द स्टेट ऑफ एंगर आर ऑलवेज रिपेंटेड पछतावा देते हैं। The harm caused can never be undone, जो नुकसान होता है, जो harm caused मतलब जो नुकसान हुआ, नुकसान कभी भी वापस ठीक नहीं किया जा सकता, कभी भी ठीक नहीं किया जा सकता, ठीक है, नहीं किया जा सकता। समझ में आ रही है ना बात? हाँ, अब यहाँ पे क्या लास्ट में कहे हैं, द पोइट जो कवि हैं वो कहते हैं, सेज दैट अ यंग मैन, एक युवा व्यक्ति, यंग मैन जो है युवा व्यक्ति, पोएट कहते हैं, कवि कहते हैं, आपको लिखते हैं ना, कवि कहते हैं पोएट। द पोएट सेज, लास्ट में आप लिखेंगे, द पोएट सेज दैट अ यंग मैन हु कीप्स हिज टेंपर, मतलब जो अपने गुस्से को संभाल कर रखता है, जो क्या करता है? गुस्से को या मना स्थिति के गुस्से को या मना स्थिति को क्या करता है? संभाल कर रखता है ना, संभाल कर रखता है
वो क्या कहलाता है? इज नोवेल ब्रेव एंड बीस्ट, वो क्या कहलाता है? आदर्श कहलाता है। क्या कहलाता है वो? आदर्श कहलाता है। एक सेकेंड दोस्तों, हाँ वो आदर्श कहलाता है, बहादुर कहलाता है और बुद्धिमान भी कहलाता है। और बुद्धिमान, बुद्धिमान कहलाता है। ठीक है, तो आपको ये बात समझ आ गई। आप पार्ट पार्ट में ये क्वेश्चन आंसर को आप याद रखें, तो ये आपके लिए, आपको परीक्षा के तक याद रखने में मदद करेगा। ये प्रश्न 3 नंबर का हर वर्ष पूछा जाता है। छोटे छोटे पार्ट में याद रखकर आप इन्हें अपने पेपर में लिख सकते हैं।